लोग, आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी दुआ से हम सब भी स्वस्थ और मस्त है। तो फ्रेंड्स अभी शाम हो चुकी है और आज सुबह क्या हुआ, दाल चावल सब्जी रोटी बनाया था तो चावल बन गया था, तो आरुषि गई है अभी फ्राई करने के लिए। तो आरुषि बोल रही कि मम्मी मैं फ्राई करती हूँ, और रेसिपी आरुषि चावल फ्राई बहुत ही टेस्टी बनाती है, उसके हाथ का चावल फ्राई हमको बहुत अच्छा लगता है। तो अभी ठंडी के दिन में ज़्यादा ही भूख लग रही है, शाम के समय भूख लगी जाती है, तो कुछ ना कुछ जो भी बच जाता है सुबह का या फिर नहीं बचा तो हम कुछ बाहर से ला लेते हैं या फिर कुछ इंस्टेंट में बना लेते हैं, तो चावल बच गया था। तो आरुषि बोले मम्मी मैं फ्राई करती हूँ, तो आरुषि कर रही है फ्राई और अर्णव कर रहा है यहाँ पे तैयारी, यानी शाम हो चुकी है तो अर्णव फ्रेश हो रहा है। तो अभी तक हम लोग गेम खेल रहे थे, तो मैं पहले फ्रेश हुई तो अर्णव ने काउंटडाउन लगाया कि मम्मी मैं इतने तक गिनता हूँ अब आप जल्दी से तैयार हो, तो उसने काउंटडाउन शुरू किया 1 2 3 4, तो मैं फटाफट रेडी हो गई। फिर उसको भी फ्रेश करवाना था, मैं बोली जैसे मैं तैयार हो गई, अभी अर्णव को एक बार बोलो ना, अर्णव सुनता नहीं है, अर्णव को बार बार बोलना पड़ता है कि अर्णव फ्रेश हो फ्रेश हो, जब जाके वो फ्रेश होता है। फिर मैं बोली चलो मैं भी इसके साथ सेम गेम खेलती हूँ, तो फिर मैंने भी उसको, तो वो इतना फास्ट दौड़ने लग गया, इतना तैयारी करने लग गया, तो उसका काउंटडाउन हो गया और जीत भी गया। तो बोली चलो अच्छा है। और अभी क्या हुआ, आज शाम में दोपहर के समय की बात है, अर्णव बोले मैं पीछे वॉश एरिया में चूल्हे पे, हाँ बताती हूँ, चूल्हे पे मैं चावल बनाता हूँ। तो अर्णव तुमने चूल्हा जलाया क्या मेथी लेके? वही रहता ना क्या टोपले, तुमने रखा था पता लकड़ियाँ, वो स्टैंड। अच्छा अच्छा हाँ क्या। तो और चावल पूछने आया था मुझे कि मम्मी मुझे चावल पकाना है, मुझे चावल थोड़ा सा ही लो, ज़्यादा वेस्ट मत करो, पका तो ठीक है, नहीं पका तो वेस्ट जाएगा ना। तो उसने पकाया, पका के फिर चूल्हे के ऊपर, गैस के ऊपर पकाया, तो चूल्हे के ऊपर कुछ पका नहीं चावल, अच्छी उसने गैस पे पकाया। तो बताओ, अरे कुछ नहीं था बेटा, जला वाला भी बताओ। तो देखिए चावल की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा थी, इतनी कम क्वांटिटी बोला था मैंने उसको, मिली वेस्ट नहीं जाना चाहिए चावल, जल गया तो पका चावल, इतना चावल पका। और ये जला चावल कहाँ से आया, यानी जो नीचे लग गया था कि चावल है, नहीं आजू बाजू, आजू बाजू का चावल जल गया और ये बीच वाला चावल पक गया, फिर भी अच्छा पका। बचपन में हम भी करते थे ये सब काम, हम भी चूल्हे पे बना के देखते थे, इतने बार तो मैं बना के देखती चूल्हे पर। तो अभी आरुषि आ जाएंगे क्योंकि आवाज आ रही है, कढ़ाई में चम्मच घुमाने की आवाज आ रही है यहाँ तक हमको, अभी आरुषि आएंगे तो बताऊंगी मैं कैसा वो बनाती है और बहुत टेस्टी। मैंने काउंटर लगाया था झांडी लटकाने का और तुम झांडी को नीचे छोड़ कर आए, तुम हार गए। देखो आपके लिए ज्यादा धनिया पत्ती वाला, धनिया पत्ती देखो कितना टेस्टी बना, जैसे पोहा है। इतना टेस्टी बनाती आरुषि, कैसा है? अच्छा है।
डोसा बनने वाला और कल मैंने डोसे का भिगाया था, मैंने इतना ही पीसा था मैंने, और देखिए कितना अच्छा खमीर आ गया है। डोसा आज मेरा अच्छा बनेगा। अब मैं सांभर के लिए दाल, मैं बोली दाल भी चढ़ा देती हूँ। क्या? हाँ, ये भी मैंने दाल चढ़ा दी, आलू चढ़ा दिए, आलू की सब्जी बना लेती हूँ और थोड़ा सांभर बना लेती हूँ। चटनी तो कल मैंने बनाया था आपके साथ, तो चटनी है। बैनर डालना उस पे ही रखना, और क्या क्या सामान, जो जो सामान मैं दे रही हूँ वो लेके जाओ। ये डोसे का भी लेके जाना। थोड़ा सा ये करती मैं उसको, तो एक्सटेंशन लेकर आ जाती। दाल पक गई मेरी और आलू भी उबल चुके थे, तो अर्णव ने काटा आलू और मैंने सोचा कि मैं हॉल में बनाती हूँ सब, डोसा भी यही बना लेती हूँ और ये सांभर और आलू की चटनी भी बना लेती हूँ। ये इसकी चटनी तो रखी हुई है, ये मटर ला के रखी हुई थी, तो मटर भी छिलना चल रहा है साथ में। तो कैसा है ना फ्रेंड्स, जो चीज़ें बनाने के लिए बहुत समय लगता है और जो चीज़ों को नीचे गरम गरम बना के खिलाना पड़ता है, तो वो चीज़ें मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, यानी उसको मैं आराम से बैठ के बनाती हूँ। कभी वो मैं गैस पे बनाती हूँ, तो कभी मैं ऐसा नीचे बैठ के बनाती हूँ। तो आज कैसा ना डोसा बनाना था, और डोसा बनाने के लिए मुझे नॉनस्टिक तवे का काम था, और नॉनस्टिक तवे आज मेरे पास इंडक्शन वाला ही था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको हॉल में बैठ के बनाऊँ। तो वैसे तो मेरी प्लानिंग वॉश एरिया में बनाने की थी, वहाँ पर बैठ के मैं आराम से बना के सबको खिलाने वाली थी, लेकिन बच्चे नहीं बोल रहे थे। बच्चे कह रहे थे कि मम्मी आप उधर बैठोगे तो हमको टीवी देखने नहीं मिलेगा। तो फिर मैं बोली जब बच्चे ही नहीं मान रहे तो फिर क्या बनाना उधर। तो फिर मैंने सोचा जान दो मैं हॉल में बनाती हूँ, तो बच्चे भी मान गए, ठीक है बोले मम्मी आप हॉल में बनाओ बोले। और फिर क्या कि अर्णव ने सारी तैयारी करके दे दिया। अर्णव को ये सब चीज़ें तैयार करना बड़ा अच्छा लगता है, यानी कुछ बना रहे हैं तो वो सब चीज़ें मुझे रेडी करके दे देता है। एक्सटेंशन बॉक्स लगा के दे दिया, सब चीज़ें करके दे दिया था। तो पहले वो मुझे खुद बोल रहा था कि मम्मी मैं छौंक लगाऊंगा बोले, मैं आलू की सब्जी भी मैं बनाऊंगा बोले, और जो सांभर होता है ना वो भी मैं खुद ही बनाऊंगा। तो मैंने उसको बोला नहीं बेटा मैं खुद बनाऊंगी, अगर मैं तुमको बताते बैठूंगी तो बहुत समय लग जाएगा और फिर वीडियो भी लेना है, तो ठीक है बोले मम्मी आप ही लगाओ बोले छौंक। और कैसा है ना, जब इसके पहले भी मैंने ये सब चीज़ें बनाई, जैसे कभी चीला बनाना होता है या कभी कुछ तलने वाली चीज़ रहती है ना जो इंडक्शन पे बन जाती है, तो वो भी मैं चीज़ें ऐसे हॉल में बनाती हूँ। जो एक जैसी कोई जैसा नाश्ते जैसी चीज़ें होती है ना, तो मैं वो हॉल में बनाती हूँ बैठ के, या कभी कभी तो मैं क्या करती हूँ बेडरूम में भी बना लेती हूँ। बेडरूम में भी ऐसे नीचे सॉकेट लगे हुए हैं, तो मैं ऐसे बनाती हूँ, बेडरूम में ले जाके इंडक्शन रख देती हूँ और गरम गरम बना के खिलाती हूँ। अभी कुछ दिन पहले भी मैंने ऐसे किया था, बेडरूम में मैंने
देखी चले गई थी इंडक्शन, वहाँ पे गरम गरम रोटियाँ बनाई थी और सब्जी भी बना लिया, तो तुरंत पे हम आई पे और वहीं पे हमने खाए थे। तो पूरे घर में मैं कहाँ पे भी बनाती हूँ खाना, जहाँ मेरी इच्छा हो जाती है ना मैं वहाँ बैठ के बनाती हूँ खाना। कभी मैं पोर्च में बनाती हूँ, तो ऐसा एक भी ऐसा जगह नहीं छूटती है मुझे घर में कि मैं कहाँ ना कहाँ बैठ के तो बनाती हूँ खाना। तो इसके पहले भी मेरी सासू माँ आई थी, तो उस समय भी मैंने डोसा हॉल में बैठ के बनाया था। तो उस समय मम्मी बोल भी रही थी तो ये बहुत अच्छा है, बोले इंडक्शन की कहाँ पे बैठ के बना सकते हैं इसको, तो उनको बड़ा पसंद आया था उस समय। तो मैंने आलू की सब्जी को छौंक लगा दिया था और आलू की सब्जी मेरी बहुत अच्छी बन गई थी। और जब मैं आलू की सब्जी को छौंक लगा रही थी ना, तो उस समय मैंने उसमें मटर डाला था। तो मटर कैसा है ना, मटर डाला मैंने तेल में तो वो उड़ने लग गई थी, ऐसी तेल में ऐसी फूटने लग गई थी, तो ऐसा तेल उड़ रहा था ना, तो वो कैसे भी करके अच्छा, मैंने ज़्यादा मटर नहीं डाली थी, थोड़ी सी मटर डाला था मैंने, तो मैंने कैसे भी करके उसको संभाल लिया और आलू की सब्जी बन गई थी। फिर उसके बाद मैंने सांभार को छौंक लगाया था। तो सांभार तो मैंने सिंपल ही बनाया था। एक्चुअली सांभार मैं वैसा नहीं बनाती हूँ, मीठा सा नहीं बनाती हूँ। हम तीनों को कैसा ना, मीठा सांभार और खट्टा सांभार पसंद नहीं आता हमको, सिंपल सी पतली सी ऐसी दाल ही अच्छी लगती है। तो मैंने वैसे ही बनाया था, दाल फ्राई बोलते हैं ना उसको, वो बनाया था। और इनको कैसा ना, इनको खट्टा मीठा सांभार पसंद आता है। तो मैं क्या करती हूँ, अपने लिए बना लेती हूँ और इनके लिए थोड़ी सी दाल में यानी छौंक लगाने के बाद अलग से निकाल के उसमें शक्कर और गुड़ ये डाल के रख देती हूँ, क्योंकि इनको उनको इस तरीके की दाल पसंद नहीं आती। उनको जैसा सामान रहता है ना, सेम वैसे ही सामान उनको पसंद आता है। तो हमेशा का मैं वैसे ही करती हूँ। अगर मैं सबके लिए एक जैसा सामान बनाऊँ ना, तो कोई खाएगा नहीं, क्योंकि बच्चे तो बिल्कुल नहीं खाएंगे, क्योंकि उनको तो ऐसी ही दाल पसंद ही नहीं आती, खट्टी मिट्टी दाल तो उनको पसंद ही नहीं आती है। तो जिसको जैसा अच्छा लगता है मैं वैसे ही बनाती हूँ सबके लिए। तो यहाँ मैंने सांभार भी बना लिया था और उसके बाद फिर मैंने डोसा जो होता है ना वो बनाना शुरू किया था। तो अर्णव कह रहा था कि मम्मी मैं पहला डोसा डालता हूँ, मेरे बेटा वैसा मत करो क्योंकि पहला डोसा टूटता है। और हमेशा होता है ऐसा, जब हम लोहे के तवे पर बनाते हैं ना तो डोसा टूटता है, लेकिन आज कैसा ना इंडक्शन पे बनाया था, तो इंडक्शन पे तो कोई भी चीज, सॉरी इंडक्शन नहीं, नॉन स्टिक तवे पे बनाया था, तो नॉन स्टिक तवे पर तो कोई भी चीज़ टूटती नहीं है। तो मेरा जो पहला डोसा था वो भी अच्छा बन गया था। तो फिर डोसे गरम गरम बन रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको बच्चों को परोस दूँ, क्योंकि अगर मैं गरम गरम बना के भी रख देती हूँ ना तो ठंडे हो जाते हैं। और फिर मतलब ही क्या होता है कि गरम गरम बनाओ और वो ठंडे होने के बाद खाओ। तो फिर मैंने अर्णव को बोला कि अर्णव खाते हो क्या, और अर्णव क्या कर रहा था ना, जब मैं डोसे बना रही थी ना उसी समय क्या कर रहा था, थोड़ा थोड़ा डोसा ले रहा था और आलू की सब्जी के साथ खा रहा था, और उसको भूख भी बहुत जोर से लग गई थी। मैं बोला बेटा मैं परोस ही देती हूँ ना, तुम खा ही लो ना। तो ठीक है, बोले मम्मी परोस दो। बोले तो मैंने क्या किया था, उसको थोड़ी सी सांभार दिया था, मुझे लगा नहीं खाएंगा सांभार, मुझे लगा आलू की सब्जी के साथ खा लेगा वो डोसा। तो जब मैंने उसको परोसा ना, तो मुझे कहने लगा कि मम्मी आपने मुझे इतू सा ही सांभार दिया है। तो बोली ठीक है देती हूँ मैं। तो फिर मैंने उसको और सांभार दिया और वो खा रहा था। फिर जब सांभार खा रहा था ना, तो मुझे बार बार मांग भी रहा था सांभार, मुझे ऐसा लगा नहीं था कि उसको सांभार पसंद आएगा, लेकिन उसने दो तीन बार सांभार मांगा मुझसे और खाया। फिर चट्टी भी बच्चे खाते नहीं है, तो चट्टी भी पूछ के देना पड़ता है कि चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि चटनी वैसे थोड़ी सी थी तो बच्चे ने चटनी उतनी खाई नहीं, क्योंकि उनको चटनी वैसे भी ज़्यादा पसंद नहीं आती है। तो बस थोड़ी थोड़ी चटनी दे दिया था, और आरुषि ने तो चटनी लिया भी नहीं था। तो बस मैं अर्णव को परोस दिया, फिर मैं अर्णव को पूछ रही थी कि बेटा कैसा बनाया बताओ। तो अर्णव बोले मम्मी खान ये बहुत ही टेस्टी बनाया बोले, और बस अर्णव खा रहा था। और आरुषि अपना मॉडल का काम कर रही थी, यानी जो उसका मॉडल था ना उसमें थोड़ा बहुत काम बचा हुआ था, उसमें कुछ मशीन्स लगाने की बची हुई थी। तो उसको बहुत दिनों से टेंशन आ रहा था कि मम्मी मेरा जो मॉडल है वो कब कंप्लीट होगा, कब मैं उसको करूँगी। रोज ही मुझे बोलती थी मम्मी आप मेरी मदद करो ना, आज हम कंप्लीट कर लेंगे। आज उसने फ्रेंड को भी फ़ोन लगाया था कि कल घर आना होता है क्या, कल हम कंप्लीट कर लेंगे। तो फिर उसने क्या किया, खुद ही होकर सारा कंप्लीट कर लिया। और फिर आरुषि ने भी खा लिया था, देखिए आरुषि ने भी खुद की थाली परोस दिया, और उसने इतनी छोटी थाली लिया था ना, उसको बोल भी रही थी बेटा थोड़ी बड़ी थाली में लो, मैं नहीं बोली मम्मी मैं बस इतना ही ले रही हूँ, तो मैं इतनी इसमें खा लूंगी। और ये भी मेडिकल से आ गए थे, तो ये फ्रेश हो गए थे और ये आराम कर रहे थे। तो मैंने इनको भी पूछा था कि आप खाते हो क्या, तो ये नहीं बोले मैं अभी नहीं खाता हूँ। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो जो भी चैनल पर नए थे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा आज का ब्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।